प्रियंका और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में कूद गए, वहीं दूसरे राज्यों के नेता भी आलाकमान से नजदीकी दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल में खींचतान चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ पहुंच गए थे। वहीं टीएस सिंहदेव रायपुर में बैठकर ट्वीट करते रहे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी रायपुर से बैठकर ही बयानबाजी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लखनऊ से भूपेश बघेल गए हैं, उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, इसके बाद वही धरने पर बैठ गए। मीडिया से बात करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि मैं लखनऊ में पीसीसी दफ्तर में जाऊंगा, इसके बाद प्रियंका गांधी से मिलने सीतापुर जाऊंगा। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस में बड़े नेता राहुल और प्रियंका गांधी से नजदीकी दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। वहीं भूपेश बघेल को हाल ही में उत्तर प्रदेश चुनाव में पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विपक्षी नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दे दी। भूपेश बघेल भी राहुल और प्रियंका गांधी के साथ वहां गए। इस तरह कांग्रेस आलाकमान के साथ अपनी निकटता दिखाने के लिए अब उन्होंने नया दांव चला है। लखीमपुर में मारे गए किसानों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। भूपेश बघेल ने कहा कि पीड़ित किसान परिवारों के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक पीड़ित किसानों के परिवार को 50 लाख रुपए और पीड़ित पत्रकार के परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। भूपेश बघेल को हाल ही में उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वे पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की मदद करेंगे। भूपेश बघेल इस घोषणा के जरिए किसानों के प्रति हमदर्दी जताकर उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी और मार्च में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावों में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है, लेकिन प्रियंका गांधी के जरिए कांग्रेस भी मुकाबले में आने का प्रयास कर रही है। इसलिए प्रियंका के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां गए। कांग्रेस कृषि कानूनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहले से ही लामबंद हो रहे किसानों के साथ खड़े होने में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। पार्टी को लग रहा है कि इससे आने वाले चुनावों में किसानों का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ आ सकता है। भूपेश बघेल की यह घोषणा छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। वे पहले भी कई बार खुद को किसानों का मुख्यमंत्री बता चुके हैं। इस घोषणा के जरिए वे एक बार फिर यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की असली हमदर्दी कांग्रेस ही है। छत्तीसगढ़ के सियासी जानकार मानते हैं कि अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी आलाकमान से नजदीकी दिखाने की होड़ है। उसी का परिणाम था कि मुख्यमंत्री ने अपने पिता पर FIR दर्ज करवाकर जेल भेज दिया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाकर उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ बयान दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।